क्या आप मान सकते हैं कि एक ऐसा रेगिस्तान जो पूरी दुनिया में अपनी सूखी और बंजर भूमि के लिए जाना जाता है, अब वो हरे भरे जंगल में बदलने जा रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोबी रेगिस्तान की, जो अब चीन की नई योजनाओं के तहत एक हरे भरे क्षेत्र में बदल रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? आइए जानते हैं इस अद्भुत और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में। गोबी रेगिस्तान, जो कि चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसकी विशालता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी भूमि पर ज्यादातर कटा फटा रेत, चट्टाने और सूखी झाड़ियां हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क है और वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ की गर्मी और ठंडक भी बहुत तीव्र होती है, जिससे यहाँ जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। और इसी जलवायु के चलते गोभी रेगिस्तान की परिधि पर कोई भी बड़ा वनस्पति जीवन नहीं उगता है। यहाँ के पेड़ पौधे मुख्यतः छोटे झाड़ियाँ और घास के रूप में होते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी कठोर हैं कि केवल कुछ ही जीव जंतु यहाँ जीवित रह सकते हैं। इस रेगिस्तान में तापमान के परिवर्तन बहुत चरम होते हैं। दिन के समय यहाँ की गर्मी असहनीय होती है और रात के समय तापमान बहुत कम हो जाता है। चीन ने गोभी रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्र में बदलने के लिए कई इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य रेगिस्तान की सूखी और बंजर भूमि को हरे भरे क्षेत्र में परिवर्तित करना है, ताकि यहाँ की जलवायु में सुधार हो सके और आसपास के क्षेत्र में यहाँ हरा भरा होने से प्रदूषण की समस्या कम हो सके। चीन ने कई तकनीकी और विज्ञान आधारित उपाय अपनाए हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो पानी की बर्बादी को कम करता है और पेड़ों को सटीक मात्रा में पानी प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ के मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार रेगिस्तान की मिट्टी को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पौधे उग सकें। चीन के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सैंड ड्रॉपिंग तकनीक, जिसमें हवा से उड़ी हुई रेत को रोकने और पेड़ों की जड़ों को स्थिर करने के लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से रेगिस्तान की रेत को नियंत्रित किया जाता है और पेड़ों की वृद्धि को एनकरेज्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ सरकार के प्रोजेक्ट के भरोसे काम नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें विज्ञान और तकनीक का प्रयास भी बड़ा योगदान है। वैज्ञानिकों ने गोभी रेगिस्तान की मिट्टी और जलवायु पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने पाया है कि रेगिस्तान की मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की बहुत कमी है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके सॉल्यूशंस के लिए वैज्ञानिकों ने पानी की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए वाटर रिटेंशन तकनीक का विकास किया है। इसमें पानी को मिट्टी में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी की सूखने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसके अलावा माइक्रोबियल इनोक्यूलेशन जैसी तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों को जोड़ा जाता है, जो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं। अब यह कदम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। वर्तमान में पूरी दुनिया के लगभग 33% हिस्से पर रेगिस्तान फैले हुए हैं। इन रेगिस्तान में सिवाय कुछ कटेल झाड़ियों के और कोई पेड़ पौधा नहीं उग पाता है। सोचे, इस बंजर जगह पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? समस्त दुनिया के रेगिस्तान यदि किसी तरह से वर्षा वनों में बदल जाए, तो धरती के प्रदूषण की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, अगर गोभी रेगिस्तान हरे भरे क्षेत्र में बदल जाता है, तो इसका पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा। पेड़ पौधे केवल वातावरण को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि वे प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेड़ वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया धीमी होती है। इसके अलावा पेड़ बारिश की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। पेड़ों की पत्तियां वाष्पीकरण के माध्यम से वातावरण में नमी जोड़ती हैं, जो बाद में बारिश के रूप में गिरती है। इससे रेगिस्तान की सूखी भूमि को जलवायु में सुधार होता है और यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। आजकल हमें यह समझने की जरूरत है कि पेड़ न केवल हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, बल्कि वे हमारी जिंदगी में कई तरह से योगदान करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हम भी चीन की सरकार की तरह लेकिन कुछ अलग सोचकर काम करें, तो भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, सिर्फ एक पेड़ प्रति व्यक्ति, और हमारी धरती पर हर साल अरबों नए पेड़ लग सकते हैं। सोचिए, इससे कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह विशाल हरित आवरण न केवल वायुमंडल को शुद्ध करेगा, बल्कि पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करेगा। हमारे शहरों में प्रदूषण कम होगा, तापमान में गिरावट आएगी और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी। हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने की आदत से एक स्थायी विरासत बन जाएगी। तो क्या आप अपने अगले जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक
इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि क्या हम इस प्रयास में सफल होंगे? क्या रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्र में बदलना वास्तव में पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा या इसके कुछ और नकारात्मक प्रभाव भी होंगे? गोभी रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की ये प्रोजेक्ट अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में कई अन्य देशों ने भी अपने रेगिस्तानों को हरे भरे क्षेत्रों में बदलने की कोशिशें की हैं। उदाहरण के लिए सहारा रेगिस्तान में भी हरे भरे क्षेत्र बनाने की योजनाएं चल रही हैं। सहारा रेगिस्तान में ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट के तहत विशाल पेड़ पौधों की पट्टियां लगाई जा रही हैं, जिससे रेगिस्तान की रेत को नियंत्रित किया जा सके और वहां की जलवायु में सुधार हो सके। इसी तरह के प्रयासों को देखकर लगता है कि रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्रों में बदलना एक वैश्विक चुनौती बन गई है। इन प्रयासों के सफल होने से कई देशों को प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या ये सभी प्रयास वास्तव में पर्यावरण के दीर्घकालिक संतुलन को बनाए रख पाएंगे? हर प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां भी आती हैं। गोभी रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्र में बदलने की योजना में भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी और सूखे की स्थिति को नियंत्रित करना। पेड़ों को हरा भरा बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई और देखभाल की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अस्थिरता भी एक बड़ी चुनौती है। अगर जलवायु में अचानक बदलाव आता है तो पेड़ों की वृद्धि और उनके जीवित रहने की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रोजेक्ट की योजना और कार्यान्वयन के दौरान सभी पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ चलाना होगा। इसके लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता आवश्यक होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट की निगरानी और मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का समय पर समाधान किया जा सके। अगर गोभी रेगिस्तान का हरा भरा बनाना सफल हो जाता है तो यह न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। यह साबित करेगा कि तकनीकी और विज्ञान की मदद से हम अत्यधिक कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। यह भविष्य की संभावनाओं को भी खोलता है, जहां रेगिस्तान और बंजर भूमि को हरे भरे क्षेत्रों में बदलना संभव हो सके। यह न केवल पर्यावरणीय सुधार के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, गोभी रेगिस्तान का हरा भरा बनाने की यह प्रोजेक्ट एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे मानवता पर्यावरण को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। क्या आप मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा और रेगिस्तान को हरे भरे जंगल में बदल पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।